Everything was so परफेक्ट. फिर मैंने चंद करोड़ रुपयों के लालच में तुम्हारी माँ से शादी कर ली. तुम्हारे नानू का बड़ा नाम है रियल एस्टेट की दुनिया में. ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत करने की कोशिश नहीं की. काफी वक्त बिताया हमने एक साथ. थोड़े थोड़े समय के बाद हमने कई फॉरेन ट्रिप्स भी लगाए. यकीन मानो तो मुझे वो मेरी बीवी कुछ टाइम बाद मुझे बहुत अच्छी दोस्त लगने लगी. ये मजबूरी में बनाया हुआ रिश्ता कब दोस्ती में बदल गया पता ही नहीं चला. मुझे इश्क हो गया उससे. फिर तुम हुए तो लगा कि सब कुछ कंप्लीट हो गया. बट आउट ऑफ नोवेयर मेरी लाइफ में आती है वंशिका और मुझे उससे प्यार हो जाता है. पर वक्त वक्त फिर पलटी बदलता है. 2009 से मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होना कम हो गया. 2010 में मेरी कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई. कर्जे के बोझ ने मेरी कमर तोड़ दी थी. ना मेरा काम में दिल लगता था ना ही घर जाने को. और ऊपर से तुम्हारी मुझे फिक्र सताती रहती थी. मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं. फाइनली मैंने सोचा कि मैं डिवोर्स दे देता हूं. पर वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि तुम्हारे नानू से इतना लोन जो उठा रखा था मैंने बुरी तरीके से फंस चुका था. मैं और बुरी तरीके से फंसा हुआ मैं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इन सबसे कैसे निकलूं. मर के है मर क्यों नहीं जाते पापा आप. कभी चल 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 बेटा तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं. तुम मेरे इकलौते बेटे हो कबीर. प्लीज कबीर मुझे सब सच सच बता दो. देखो इस वक्त इस रूम में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं. एंड आई प्रॉमिस मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी. प्लीज कबीर तुम उस रात कहां गए थे.
और तुम्हारे पापा से लास्ट क्या बात हुई प्लीज बता दो कबीर कबीर कुछ तो बोलो कबीर कबीर प्लीज इधर देखो मेरी तरफ कुछ तो बोलो देखिए आप मुझ पर भरोसा रखिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है 21 दिसंबर को कोर्ट में सब सच सच बता देना कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंश्योरेंस भी क्लियर हो जाएगा ओके ठीक है फिर एक आप साइन कर दीजिए मुझे एक बार कबीर से मिलने दो शायद उसे पता हो कि मेरा बेटा कहाँ है एक महीने से मेरे बेटे का कुछ ज्यादा पता नहीं है कम से कम मुझे ये तो बता दो कि वो जिंदा भी है कि नहीं आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो अगर आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप कोशिश नहीं करते अपने बच्चे को ढूंढने की सिर्फ एक बार कबीर से बोल दो कि वो कल कोर्ट में सच बता दे ताकि पुलिस उसे ढूंढ सके मिस्टर कबीर मदान 9:11 की रात को एक्सीडेंट लोकेशन पर जो गाड़ी में आग लगी थी तो केमिकल्स के जलने की वजह से बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है तो जरा सच सच बताइए कि उस रात आपके साथ गाड़ी में कौन था मेरे डैड
ब्रदर विश्वास नॉइस फ्रॉम द पर्सन सिटिंग ओवर देयर शेरो शायरी सुनते हो